अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स को कंटिन्यू करेंगे एमएचटी सीटी, और मैं ऑलरेडी पार्ट वन का वीडियो बना चुका था इसका, और अब हम लोग पार्ट टू कंटिन्यू कर रहे हैं। राइट, रिमेनिंग क्वेश्चंस जो भी हो करेंगे। 2021 में टोटल 38 क्वेश्चंस आए थे और 19 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और अब 19 और बचे हैं तो वो भी खत्म कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, सिर्फ ये दो चैप्टर अगर बच्चा कर लेता है तो मेरे ख्याल से उसके 8 to 9 मार्क्स फिक्स है एग्जाम में। राइट, सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो पे कमेंट जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अ ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी एन इज हेल्ड नियर ओपन एंड ऑफ अ ट्यूब व्हिच इज क्लोज्ड एट द अदर एंड एंड द लेंथ्स आर एडजस्टेड अंटिल रेजोनेंस अकर्स। मतलब ले देके क्या है, ये क्लोज्ड पाइप है, क्योंकि एक एंड पे ओपन है, एक एंड पे क्लोज्ड है, तो ये क्लोज्ड पाइप है, और क्लोज्ड पाइप में भी ये रेजोनेंस ट्यूब है। The first length at resonance is L1 and the second length at resonance is L2. What is the speed of the sound? तो बच्चों इसमें direct formula है, और अगर तुम मेरी वन शॉट वीडियो देखो तो उसमें मैंने direct formula दिया हुआ है। इसमें कुछ solve ही नहीं करना है, सीधा formula है। Velocity of sound is equal to 2n into L2 minus L1. 2n into L2 minus L1. इस formula में n क्या होता है? Frequency of the tuning fork. L1 is the first length at resonance. एंड L2 इज द सेकेंड लेंथ एट रेजोनेंस। तो इस तरह से सबको बड़ी आसानी से किया जा सकता है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 160 हर्ट्ज हैज अ वेलोसिटी 320। व्हेन इट ट्रैवल्स थ्रू एयर द पार्टिकल्स हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ 90। पार्टिकल्स हैविंग फेज डिफरेंस ऑफ 90 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ। मतलब तुमको फेज डिफरेंस दी हुई है और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स निकालना है, और इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी इस तरह के सम्स कर चुके हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला ये है कि फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर दो पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस निकालना हो तो फॉर्मूला है फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π इनटू डेल्टा एक्स बाय लैम्डा। एंड व्हाट डज डेल्टा एक्स स्टैंड फॉर? डेल्टा एक्स स्टैंड फॉर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। फेज डिफरेंस दिया हुआ है 90, उसको मैं लिखूंगा π/2। 90 को π/2 लिखा जा सकता है, रेडियंस में लिखना होता है। 2π इनटू डेल्टा एक्स मुझे ढूंढना है, और लैम्डा को मैं लिखूंगा v/f। तो पाई और पाई तो कैंसिल हो जाएंगे, एंड मुझे डेल्टा एक्स चाहिए ना, तो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट? वी लेफ्ट में जाके ऊपर चला जाएगा, एफ नीचे आ जाएगा, और फोर भी नीचे रहेगा। राइट, वी बाय 4f आएगा आंसर, और वी हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 320 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 160। तो ये आंसर होगा 0.5 मीटर, और 0.5 मीटर का मतलब होगा 50 सेंटीमीटर। राइट, 50 सेंटीमीटर ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा आंसर है। राइट, तो फेज डिफरेंस अगर दो पार्टिकल्स के बीच में निकालना है तो 2π डेल्टा एक्स बाय लैम्डा, और अगर किसी एक पार्टिकल के दो पोजीशंस दिए हुए हैं और टाइम दिया हुआ है, टाइम के टर्म्स में निकालना है तो ओमेगा डेल्टा टी। खैर, यहाँ पे तो डिस्टेंस पूछा हुआ था तो मैंने कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ग्लास ट्यूब 1 मीटर लॉन्ग इज फिल्ड विथ वाटर, मतलब पूरा पानी भरा हुआ उसमें। द वॉटर कैन बी ड्रेन्ड आउट स्लोली फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्यूब, मतलब हम पानी को बाहर निकाल सकते हैं धीरे धीरे। इफ द ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इज ब्रॉट एट द अपर एंड ऑफ द ट्यूब, तो कितने रेजोनेंस होंगे? देखो, अब सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे पानी निकलता जाएगा वो एक क्लोज्ड पाइप होगा, जिसका क्लोज्ड पाइप की तरह बिहेव करेगा, जिसका लेंथ चेंज हो रहा है। तो क्लोज्ड पाइप में क्या होता है, फर्स्ट टाइम अगर फंडामेंटल के समय रेजोनेंस लेंथ एल पे होगी ना, तो अगली बार 3L पे होगी, फिर उसके बाद में 5L पे होगी, उसके बाद में 7L, ऐसा चलता ही रहेगा। राइट, तो एक काम करते हैं, फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट L। L इज द लेंथ करस्पॉन्डिंग टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, क्लोज्ड पाइप का v/4L। तो इससे हम लोग को L मिल जाएगा, L इज इक्वल टू v/4f। अब v कितना दिया हुआ है, देखो v का वैल्यू है 320 डिवाइडेड बाय 4 into 500। राइट, ये आंसर है 4 into 500। करेक्ट, तो ये होगा हमारा आंसर 0.16 मीटर, शायद 320 by 2000। हाँ, 0.16 मीटर, 0.16 मीटर, या हम बोल सकते हैं 16 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि रेजोनेंस कितने बार होगा। देखो, पाइप पर टोटल लेंथ 1 मीटर है, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो पहली बार रेजोनेंस L पे होगा, बाद में 3L पे होगा, बाद में 5L पे होगा, बाद में 7L पे होगा, ऐसे होगा। तो L मतलब 16, तो 3L मतलब कितना होगा, 3L मतलब 48 सेंटीमीटर होगा, और 5L मतलब कितना होगा, 80 सेंटीमीटर होगा, और 7L मतलब कितना होगा, 16 7 100 से ज्यादा होता है ना, 16 7 112 होता है शायद। राइट, 112,
तो देखो 112 तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि पाइप का पूरा लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर राइट। तो तीन ही रेजोनेंस हो सकते हैं, एक 16 सेंटीमीटर पे होगा, एक 48 पे होगा और एक 80 पे होगा, तीन बार ही रेजोनेंस हो सकते हैं और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थ्री रेजोनेंसेस आर पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं। एन वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रिंग इन 1 सेकेंड। देखो नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी, इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं राइट। तो हमको ऑलरेडी क्या पता है कि एन क्या है, एन इज फ्रीक्वेंसी, सो एन मतलब फ्रीक्वेंसी है राइट, एन इज फ्रीक्वेंसी क्योंकि एन वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड मतलब फ्रीक्वेंसी एन है। अब क्या बोला हुआ, व्हेन द रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग इज डबल टेंशन इज सेम द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड फॉर द सेम हार्मोनिक विल बी। मतलब ले दे के इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या किया गया, रेडियस को डबल किया गया राइट। व्हेन द रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग इज डबल कीपिंग द टेंशन सेम नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस, मतलब फ्रीक्वेंसी का क्या होगा अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए। तो काफी आसान क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग का फॉर्मूला क्या है, देखो समझो हम लोग फंडामेंटल मोड मान लेते हैं। देखो उन्होंने बोला सेम हार्मोनिक, हो सकता है फर्स्ट हार्मोनिक हो, सेकेंड हार्मोनिक हो, अब समझो 10th हार्मोनिक है तो 10 इंटू फंडामेंटल होगा। मैं फर्स्ट हार्मोनिक ही मान लेता हूँ ना, हार्मोनिक जो भी है वो सेम है दोनों टाइम राइट। तो फर्स्ट हार्मोनिक लेंगे, अगर फंडामेंटल लेंगे तो फॉर्मूला आएगा 1/2 LR रूट ऑफ टी बाई म्यू। टी बाई म्यू मतलब लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। इस क्वेश्चन में टी कॉन्स्टेंट है, म्यू कॉन्स्टेंट है, एल कॉन्स्टेंट है, तो आई कैन राइट एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग इज डबल्ड, स्ट्रिंग के रेडियस को डबल किया गया। अगर हम स्ट्रिंग के रेडियस को डबल करेंगे तो ऑफकोर्स फ्रीक्वेंसी विल बिकम हाफ बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो एन विल बिकम हाफ, एन विल बिकम हाफ मतलब पहले एन था तो बाद में क्या हो जाएगा, टू एन बाय टू हो जाएगा, एन बाय टू मतलब आंसर बी। सो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो पिछले वीडियो में हम इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कर चुके थे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। टू वेव्स y1 इक्वल टू 0.25 316 t एंड y2 इज इक्वल टू 0.25 sin 310 t आर प्रोपोगेटिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड। देख लेते हैं। इन जनरल इक्वेशन ऑफ वेव या इक्वेशन ऑफ द सोर्स इज गिवन बाय a sin omega t या a sin 2πft, ऐसे लिख सकते हैं राइट। तो देखो ये जो 2πft है ना, इस केस में वो 316 t है और यहाँ पे उस सेकेंड वाले वेव में वो 310 है। तो हमको पूछा गया नंबर ऑफ बिट्स। तो पहले वाले वेव को अगर कंपेयर किया जाए तो क्या होगा, देखो फर्स्ट वाले वेव को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट वाले वेव में आंसर आएगा 2πf1 विल बी इक्वल टू 316 t, t कट जाएगा याद रखना। तो 2πf1 अगर 316 हुआ तो f1 कितना होगा, 316/2π। ऐसा क्वेश्चन 2020 में भी पूछा जा चुका है और 2021 में ये दूसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है राइट। और अगले वाला वेव को कंपेयर करोगे तो 2πf2 लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी को, विल बी इक्वल टू 310। तो f2 विल बी इक्वल टू 310/2π। हमको क्वेश्चन में पूछा गया फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, और फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स कैसे मिलेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स विल बी इक्वल टू f1 - f2, 316/2π - 310/2π विल बी इक्वल टू 6/2π, और 6/2π का आंसर होता है 3/π, और 3/π मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y1 इज इक्वल टू, कुछ दिया हुआ इक्वेशन और दूसरा कॉस में दिया हुआ है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस। देखो फेज डिफरेंस, फेज का मतलब क्या होता है, जो साइन के अंदर एंगल होता है उसे फेज बोलते हैं। तो तुमको बस फेज का डिफरेंस निकालना है, तो बहुत आसान है। देखो तुम्हारा पहला वाला इक्वेशन क्या है, देख लेते हैं पहले, व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन। तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन जो दिया हुआ है हमको वो है y1 इज इक्वल टू a sin ωt प्लस kx प्लस 0.57। तो ये हमारा फेज है, देखो इसको बोलते हैं, ये जो एंगल है ना इसको बोलते हैं फेज, ये फेज ऑफ द फर्स्ट वेव है, फेज वन ऐसे लिख देता हूं इसको ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है, कॉस में, वो कॉस में नहीं चलेगा, उसे साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से सारे बच्चे जानते होंगे कॉस थीटा इज साइन 90 प्लस थीटा, तो वो जो कॉस वाला इक्वेशन है इसे मैं साइन में लिखता हूँ, तभी तो कंपेयर कर सकते हैं ना, साइन साइन होगा तो ही। तो इसको साइन 90 प्लस थीटा लिखूंगा तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 90 मतलब π/2 रेडियन, रेडियन में लिखना रहेगा राइट। तो ये हो गया फेज टू। रुको थोड़ा उसको और मॉडिफाई करता हूँ। देखो पाई की वैल्यू 3.142 होती है,
पाई की वैल्यू होती है 3.142, अगर उसको 2 से डिवाइड किया जाए तो आंसर आएगा ये पाई बाय 2 जो होगा ना, एक सेकेंड, ये जो पाई बाय 2 है हमारा, पाई की वैल्यू 3.14, समझो 3.14 मान लेते, 3.14 बाय 2 करोगे तो ये 1.57 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा फेज 2 है यहाँ से यहाँ तक, राइट। फेज 2 हमको क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द फेज डिफरेंस, बस सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ओमेगा टी के एक्स तो कट जाएंगे, 1.57 माइनस 0.57 इज 1, राइट। तो फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स सब्ट्रैक्ट करने पे कट जाएंगे, आंसर आएगा 1.57 माइनस 0.57 और ये आंसर होगा 1 रेडियन। सो 1 रेडियन इज द करेक्ट आंसर और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1 रेडियन, राइट। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम इन अ पाइप ए क्लोज्ड एट वन एंड, याद रखना ये क्लोज्ड पाइप है, कोइंसाइड्स विद द सेकंड ओवरटोन ऑफ पाइप बी ओपन एट बोथ एंड्स, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ पाइप ए टू लेंथ ऑफ पाइप बी। काफी आसान क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप, ए क्लोज्ड है याद रखना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप ए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप ए इज इक्वल टू, कोइंसाइड विद सेकेंड ओवरटोन, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप बी, सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप बी, राइट, ओपन पाइप बी बी। अब देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप का सीधा फॉर्मूला है V/4L, मैं इसको V/4LC लिखता हूं, LC मतलब लेंथ ऑफ क्लोज्ड, या LA लिखता हूं, LA मतलब लेंथ ऑफ क्लोज्ड लेकिन A वाला पाइप, राइट। दैट विल बी इक्वल टू, देखो सेकेंड ओवरटोन मतलब N+1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, nth ओवरटोन मतलब ओपन वाले पाइप में सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, तो अगर तुम ध्यान से सोचो तो F के बाद 2F 3F 4F ऐसे, तो फंडामेंटल के बाद जितने फ्रीक्वेंसीज होते हैं सबको ओवरटोन कहा जाता है, तो फर्स्ट ओवरटोन मतलब 2F, सेकेंड ओवरटोन मतलब 3F, ओके। तो सेकेंड ओवरटोन मतलब क्या होगा, 3 टाइम्स फंडामेंटल ऑफ बी, और याद रखना बी क्या है, ओपन पाइप है, तो V/4LA विल बी इक्वल टू 3 into व्हाट इज फंडामेंटल ऑफ ओपन पाइप, V/2L, तो इसमें मेरे ख्याल से V और V कैंसल हो जाएंगे, और 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स, ठीक है, हमको चाहिए लेंथ ऑफ ए अपॉन लेंथ ऑफ बी, तो ए को ऊपर ले जाएंगे, LA अपॉन LB विल बी इक्वल टू, LA ऊपर चला 3 नीचे चलाएगा तो 1/6 हो जाएगा, राइट। तो ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ 12 मीटर एंड मास 6 केजी हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, देखो ये सब थोड़ा सा टफ है, ओके। इसमें क्या हुआ है मालूम है, जो रोप है ना, रस्सी है ना, रस्सी के पास खुद के पास मास है, ए मास ऑफ 2 kg इज अटैच्ड टू द फ्री एंड ऑफ द रोप, ए ट्रांसवर्स पल्स ऑफ वेवलेंथ 0.06 मीटर इज प्रोड्यूस्ड एट द लोअर एंड, वॉट इज द वेव लेंथ वेन इट रीचेज द टॉप, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, लेकिन मतलब एग्जाम में मतलब ये किसी और एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है, शायद नीट में आ चुका है, इसलिए ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये बच्चों को पढ़ाया ही जाता है, तो जिसने भी एग्जाम दिया होगा पक्का उसको ये आया ही होगा। तो देखो इसको कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना, मतलब मैं बता रहा हूँ ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग इसलिए हो गया क्योंकि इसमें वायर के पास मास है, जनरली हम लोग वायर के मास को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, लेकिन यहाँ वायर खुद ही मास वाला वायर है, राइट। तो देखो ये जो है ना, ये वायर समझ लो ऐसे, ये वायर है तुम्हारा, और ये वायर का मास कितना है, 6 किलो, 6 kg का वायर है, ठीक है, और इस वायर के नीचे और एक मास अटैच किया हुआ है और इसकी वैल्यू है 2 kg, तो ध्यान से सुनना। अब अगर तुम नीचे वाले पॉइंट की बात करते हो, इस वाले पॉइंट की, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट पे तुमने एक वेव जनरेट किया जिसकी वेवलेंथ कितनी है, मैं बता रहा हूँ, इसकी वेवलेंथ दी हुई है, इसकी वेवलेंथ यहाँ पे जो वेव जनरेट किया उसकी वेवलेंथ 0.06 मीटर है, तो जब वो ऊपर पहुंचेगा ना वेव, जब वो ऊपर पहुंचेगा तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, यही पूछा हुआ है ना, यहाँ पे वेवलेंथ कितनी है, इस पॉइंट पे ऊपर वाले टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेवलेंथ कितनी है, तो एक काम करता हूँ इसको λ1 बुला लेता हूँ, तो ये λ2 मान लेता हूँ, ठीक है, ऊपर λ2। अब ध्यान से सुनना, ये जो नीचे वाला पॉइंट है ना, नीचे वाला, उसको तो सिर्फ 2 kg खींच रहा है नीचे, जो नीचे वाला लोएस्ट पॉइंट है, ये वायर का 2 पॉइंट मान लो, चलो ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट 1 है, तो जो लोएस्ट वाला पॉइंट है ना उसे सिर्फ 2 kg खींच रहा है, तो वहां पे जो टेंशन होगा ना वो होगा 2g, mg होता है ना टेंशन, तो ये 2g है,
लेकिन टॉप वाले पॉइंट की बात करो ना तो उसे कौन खींच रहा है, ध्यान से सुना, उसे 2 kg तो खींच ही रहा है लेकिन साथ में वो पूरा रस्सी भी खींच रहा है नीचे। वो जो ऊपर वाला पॉइंट है जो जो सीलिंग से अटैच्ड है ये वाला पॉइंट, इसे कौन कौन खींच रहा है? 2 kg तो खींच ही रहा है लेकिन साथ में रस्सी भी खींच रहा है, और रस्सी का खुद का वजन 6 kg है, राइट? तो 6 + 2 8 8g। यहाँ पे टेंशन अलग है, नीचे टेंशन अलग है, ऊपर टेंशन अलग है, यहाँ पे 8g है। तो ये जो लोएस्ट पॉइंट है उसे सिर्फ 2 kg खींच रहा है, और जो टॉप वाला पॉइंट है उसे 2 kg तो खींच ही रहा है, साथ में पूरा रस्सी भी खींच रहा है। तो 2 + 6 इतना हो गया 8, तो ऊपर टेंशन होगा 8g। ठीक है, बस यही ये क्वेश्चन था, बस और कुछ नहीं था। लैम्डा 1 दिया हुआ है, नीचे लैम्डा 2 पूछा। अब ध्यान से सुनना, जो भी हो एक बात पक्की है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर विल रिमेन अनचेंज्ड। फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड होगा तो F1 इज इक्वल टू व्हाट? F2 होगा। फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड का मतलब क्या होता है? F1 इज इक्वल टू F2। अगर F1 इज इक्वल टू F2 है तो मैं लिख सकता हूँ V1 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू V2 बाय लैम्डा 2, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, है ना? V1 बाय लैम्डा 1 को क्या, V1 अपॉन लैम्डा 1 इक्वल टू V2 अपॉन लैम्डा 2। अब देखो मुझे चाहिए लैम्डा 2, थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा टर्म्स को तो पता चलेगा लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू V2 बाय V1। अब हो गया मेरा काम, लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू लैम्डा 1। देखो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स ऑन अ रोप? वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स ऑन अ रोप इज गिवन बाय द फॉर्मूला T बाय म्यू। तो V2 के जगह पे आएगा T2 बाय म्यू और V1 के जगह पे आएगा T1 बाय म्यू। ठीक है, इसमें भी रूट म्यू कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर आएगा लैम्डा 1 दैट इज 0.06 इनटू रूट ऑफ T2 बाय T1। देखो T2 8g है और T1 क्या है? T1 है 2g, सो 8g अपॉन 2g, जी जी कट गए, 4 आया, 4 का रूट देखो 2 और 8 है ना, 8 अपॉन 2 4 हो गया और उसका रूट हो गया 2। 2 इंटू 0.06 का आंसर होगा 0.12, 0.12 मीटर, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ा ट्रिकी था क्वेश्चन, बट क्या होता है मालूम है, इस टाइप का क्वेश्चन क्लास में हर बच्चे को पढ़ाया गया होगा, 101% पढ़ाया गया होगा, ये बहुत स्पेशल सम है, तो इसलिए जब सीईटी में क्वेश्चन पूछा गया होगा तो बच्चों ने पक्का किया होगा ये सम। आगे बढ़ते हैं, ऐसा भी एक सम आता है कि व्हाट इज द टाइम टेकन टू ट्रेवल अलोंग द स्ट्रिंग, और खाली रोप दिया होगा और रोप को बोला होगा कि इसके पास वजन है, रोप के पास कितना टाइम लगेगा वेव को ऊपर जाने में, ऐसा वाला सम भी बच्चों को प्रैक्टिस कराया होता है, राइट? आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द साउंड इन अ मीडियम इफ द प्रेशर इज डबल्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। बहुत आसान है, देखो वी का फॉर्मूला क्या है, वी इज इक्वल टू रूट ऑफ पी बाय रो। ध्यान से सुनना, ऐसा फॉर्मूला देख के तो लगता है, कि प्रेशर को अगर बढ़ाया जाएगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा, राइट? अगर प्रेशर को बढ़ाया जाए तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। अगर तुम प्रेशर को बढ़ाते हो तो डेंसिटी भी बढ़ता है गैस का, अगर तुम गैस को प्रेस करो ऐसे, प्रेशर बढ़ाओ तो डेंसिटी भी बढ़ेगा, अगर प्रेशर छोड़ो तो डेंसिटी भी कम होगा। तो जितना तुम चेंज करोगे न्यूमरेटर में उतना ही चेंज होगा डिनोमिनेटर में, और रेशियो हमेशा सेम रहेगा। इसलिए याद रखना कि वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, ये मेरे वन शॉट लेक्चर में मैंने सिखाया है, वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर। जिस बच्चे को सुपर पोजिशन ऑफ वेव टफ लग रहा हो प्लीज मेरा वन शॉट वीडियो देख लेना, ओके? और वो कहाँ मिलेगा तुमको? प्लेलिस्ट में मिलेगा, प्लेलिस्ट में तुमको सारे वीडियोज मिल जाएंगे लाइन से। और मुझे मालूम है कि अभी बहुत कम टाइम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा पोर्शन खत्म हो जाए, सारे चैप्टर्स के हम PYQs बना ले। आज के दिन में 2 वीडियोज अपलोड करने वाला हूँ, एक तो ये सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स का और दूसरा EMI का। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, does not depend upon pressure। तो तुम प्रेशर को डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, उससे हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड को कोई फर्क नहीं पड़ने वाली। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर ए, मतलब प्रेशर डबल करने के बाद भी वेलोसिटी विल रिमेन द सेम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 2 साउंड वेव्स हैव वेवलेंथ 5 एंड 5.5 मीटर इन अ गैस विद अ वेलोसिटी 300 नंबर ऑफ बीट्स। अब देखो सिंपल सी बात है कि लैम्डा 1 कितना है, लैम्डा 1 5 मीटर है और लैम्डा 2 कितना है 5.5 मीटर। अब वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, राइट ना, क्योंकि गैस वही मीडियम है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर तुम देखो तो लैम्डा 1 छोटा है, अगर लैम्डा 1 छोटा है तो F1 बड़ा होगा, मतलब मैं ऐसा लिख देता हूँ लैम्डा 1 लैम्डा 2 से छोटा है इसलिए F1 F2 से बड़ा होगा, राइट? तो हम लोग को पता चल गया कि नंबर ऑफ बीट्स निकालने का मतलब क्या होगा, हीट्स नहीं है, नंबर ऑफ बीट्स है, ओके? नंबर ऑफ बीट्स निकालने का मतलब क्या, डिफरेंस ही तो लेना है। तो हमको क्या निकालना है, F1 - F2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही पूछा है ना। F1 - F2 को क्या लिख सकते हैं, F1 को लिखूंगा V बाय लैम्डा 1
इसको लिखूंगा v बाय लैम्बडा 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, v कॉमन, ब्रैकेट में आएगा 1 बाय लैम्बडा 1, लैम्बडा 1 मतलब 5, माइनस 1 बाय 5.5। ठीक है, तो ये होगा 300 इंटू 5.5 माइनस 5, ओके, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5.5। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, तुम्हारा नंबर तो एफ वन माइनस एफ टू ढूंढना था ना, दैट विल बी इक्वल टू 300 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5.5। थोड़ा बुद्धि लगा देते तो और आसानी से हो जाता है, इसको 11/2 लिख लेते, इसको 10/2 लिख लेते, शायद और आसानी से हो सकता था। चलो जाने दो, अब जो कर दिया, देखते हैं। 0.5 वन जा, 0.5 टेन जा, तो मेरे ख्याल से ये 0 और 0 भी कैंसिल हो गया, राइट। तो आंसर आया लास्ट में 30/5.5, उसको और कैंसिल करते हैं, ये होगा 300/55। देखो 30/5.5 होगा 300/55, और 300/55 होगा तो 5 से कैंसिल करेंगे तो नीचे तो 11 आ जाएगा, 55 का 11, और ऊपर 300 था ना तो वो 60 हो जाएगा, राइट, 60। तो ये आंसर होगा तुम्हारा, 11/5 = 5.50 ना, तो 50 बचा, राइट, तो 5.4 समथिंग ऐसा कुछ आंसर आएगा, 5.4 समथिंग, राइट। और 5.4 ऐसा तो कोई ऑप्शन आजू बाजू में है ही नहीं, तो मैं आंसर मार्क करूंगा आंसर ए, आंसर ए मतलब करेक्ट आंसर आना चाहिए बीट्स, बीट्स का नंबर कितना आएगा 6, क्योंकि इसके आजू बाजू में कोई ऑप्शन है नहीं 6 के अलावा, तो हमको 6 ही मार्क करना पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं, राइट। तो दिस इज द फाइनल आंसर, आंसर ए मार्क करना पड़ेगा ऐसे सिचुएशन में। सो दिस इज 11th स्टैंडर्ड क्वेश्चन, द ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फोक इज 220 हर्ट्ज एंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 330। When the fork completes 80 vibrations, the distance covered by the wave is। ये भी करा चुका हूँ सम, ये मतलब प्रीवियस वीडियो में ऐसा सेम क्वेश्चन आ चुका है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सी, इसमें लॉजिक सिंपल सी है कि जब ट्यूनिंग फोक कंप्लीट करेगा एक वाइब्रेशन, ट्यूनिंग फोक या सोर्स बोल सकते हो जहां से साउंड निकल रहा है, अगर सोर्स कंप्लीट करता है वन वाइब्रेशन तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इज लैम्बडा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, when four completes one vibration, distance covered by wave is equal to lambda। तुमसे क्वेश्चन पूछा गया कि 80 vibrations में कितना जाएगा आगे, राइट। सो therefore इन 80 vibrations, ऑफकोर्स एक वाइब्रेशन में लैम्बडा अगर वेव आगे जाएगा, राइट, तो 80 vibrations में कितना आगे जाएगा, इन 80 vibrations distance covered is equal to 80 lambda, और लैम्बडा कैसे मिलेगा हमको, लैम्बडा विल बी इक्वल टू वी बाई एफ, दैट इज इक्वल टू 80 इंटू वेलोसिटी कितनी है 330, और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 220। तो ये होगा 11 threes are 11 twos are 120 meter, ओके 120 मीटर, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर वाइब्रेट्स विद अ ट्यूनिंग फोर्क इन यूनिसन, यूनिसन मतलब फोर्क और वायर की फ्रीक्वेंसी सेम है। व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डिक्रीज्ड बाय 1 सेंटीमीटर 6 बीट्स आर हर्ड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। तो ध्यान से सुनना क्वेश्चन, एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी को हम एफ मान लेते हैं, और एक वायर है, सोनोमीटर वायर है, समझो सोनोमीटर वायर ही है, ओके, और इसकी लेंथ को हम L1 मान लेते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम F1 मान लेते हैं, और बोला हुआ है कि बोथ आर इन यूनिसन, यूनिसन मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसीज क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोनों यूनिसन है मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है, तो एफ इज इक्वल टू एफ वन, ठीक है, एफ और एफ वन इक्वल है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है कि लेंथ है ना ट्यूनिंग फोक की 1 सेंटीमीटर कम कर दी गई। अच्छा, पहले लेंथ दिया हुआ है, पहले लेंथ 25 सेंटीमीटर है, लेंथ भी दिया हुआ है, ओके, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। When its length is decreased by 1 centimeter, तो ये तुम्हारा फोर्क है, ये तुम्हारा वायर है, और अब क्या बोला हुआ है कि लेंथ कितनी हो गई इसकी, वायर की लेंथ कम हो गई, कितनी कम हो गई, 1 सेंटीमीटर कम हो गई, 1 सेंटीमीटर कम मतलब अब लेंथ होगी 24 सेंटीमीटर, और ऑफकोर्स लेंथ चेंज होने से वायर की फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो गई, तो अब ट्यूनिंग फोर्क और इन दोनों के बीच में बीट्स आएंगे, बीट्स मतलब डिफरेंस आएगी, और डिफरेंस कितनी है 6, ऑफकोर्स
लेंथ कम करने से वायर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ये तो पता होगा सब लोग, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। तो अगर लेंथ कम करेंगे तो वायर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो डिफरेंस मतलब वायर की फ्रीक्वेंसी माइनस फोर की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, सिक्स हो गई, सिक्स हो गई। तो एक काम करता हूँ, ये एफ टू माइनस एफ मैं जानता हूँ कितना है, सिक्स, या एफ के जगह पे मैं एफ वन लिख सकता हूँ, बिकॉज एफ और एफ वन इक्वल है, दैट इज इक्वल टू सिक्स। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, हम सब जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, तो एफ वन अपॉन एफ टू विल बी इक्वल टू एल टू अपॉन एल वन, उल्टा आएगा। एफ वन कितना दिया हुआ, एक काम करते हैं एफ वन को एफ वन ही रहने दो, एफ टू को क्या लिख सकता हूँ, सिक्स प्लस एफ वन, सिक्स प्लस एफ वन इज इक्वल टू 24 by 25 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 एफ वन इज इक्वल टू 24 सिक्सा कितना होगा, 24 सिक्सा कितना होता है, 24 टू कैरी 144 होता है, 144 राइट, सो 24 सिक्सा 144 अब 25 एफ वन माइनस 24 एफ वन करोगे तो एफ वन का आंसर सीधा 144 हर्ट्ज हो जाएगा। और एक बार F1 मिल गया तो F मिल गया, क्योंकि F1 और F तो सेम ही थे ना, तो F की वैल्यू भी 144 हर्ट्ज आ जाएगी। इस तरह से सबको किया जा सकता है, और इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, आंसर डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फाइनली हम लोग 24 शिफ्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। टू ट्यूनिंग फोक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 320 480 आर साउंडेड टुगेदर टू प्रोड्यूस साउंड वेव्स, द वेवलेंथ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर इज 320, द डिफरेंस बिटवीन द वेवलेंथ्स, बहुत ही आसान है। पहला वाला वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, v by f1 दैट इज इक्वल टू 320 by 320, तो 320 by 320 तो 1 मीटर आ गया। दूसरा वाला वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, v by f2 मतलब 320 by 480, अगर तुमको 16 का टेबल आता होगा तो ये 2/3 हो गया, 2/3 मीटर। अब तुमको डिफरेंस निकालना है लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2/3, तो कितना आंसर आएगा, 1/3 मीटर है ना, दैट इज 100 बाय सेंटीमीटर में चाहिए आंसर, 100 बाय 3 सेंटीमीटर राइट। तो 100 बाय 3 कितना होता है, 33.33, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन एयर कॉलम इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स वाइब्रेट सच दैट 4 एंटी नोड्स एंड 3 नोड्स आर फॉर्म्ड, देन द करस्पॉन्डिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन इज, एयर कॉलम इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, इसमें देखो बुद्धि लगा लो आराम से समझ में आ जाएगा। देखो फर्स्ट मोड में होता क्या है, फर्स्ट मोड में देखो ध्यान से क्या होता है, एक नोड और दो एंटी नोड बनते हैं राइट। फर्स्ट मोड में क्या होता है, एक नोड और दो एंटी नोड बराबर, एक नोड और दो एंटी नोड। तो सेकेंड मोड में क्या होगा, मतलब जो मोड होगा उतने नोड बनते हैं, फर्स्ट मोड में एक नोड दो एंटी नोड, सेकेंड मोड में दो नोड और तीन एंटी नोड, थर्ड मोड में क्या होगा, 3 नोड और 4 एंटी नोड। और ये लोग ने क्या पूछा, 4 एंटी नोड एंड 3 नोड्स बराबर है, 3 नोड्स और कितने एंटी नोड्स, 4 एंटी नोड्स, मतलब थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। और थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब होता है सेकेंड ओवरटोन, क्योंकि फंडामेंटल को नहीं गिनते ना ओवरटोन में, फंडामेंटल के बाद से ओवरटोन स्टार्ट होता है, तो ये होगा सेकेंड ओवरटोन। एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ डीप में, ये तुम्हारा फर्स्ट मोड था, सेकेंड मोड देखो ऐसे दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा ऐसे, ये तुम्हारा सेकेंड मोड है, यहाँ पे तुमको 2 नोड्स और 3 एंटी नोड्स मिले। सेकेंड मोड का और एक नाम है, सेकेंड मोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन। और थर्ड मोड में कैसे होगा, देखो सेम पाइप है और थर्ड मोड में कुछ ऐसा दिखेगा डायग्राम ऐसा, ओके तो देखो अब डायग्राम को ध्यान से देखो, 3 नोड और 4 एंटी नोड है, इसको बोलते हैं थर्ड मोड और एक नाम क्या है इसका, सेकेंड ओवरटोन। तो तुमको यही तो पूछा था ना क्वेश्चन में कि 3 एंटी नोड और 4 एंटी नोड और 3 नोड बनेंगे, तो यही वाला डायग्राम है, थर्ड मोड या सेकेंड ओवरटोन, तो आंसर आएगा सेकेंड ओवरटोन। और सेकेंड ओवरटोन मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन ने टाइम तो जरूर खाया होगा बच्चों का,
द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन एनी गैस डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ, मतलब वही वेवलेंथ का कनेक्शन डायरेक्ट वेलोसिटी से. देखो वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, देखो रूट ऑफ गामा पी बाय रो, गामा पी बाय रो. तो किस पे डिपेंड, वेवलेंथ लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट होता है किसी एक मीडियम में, किसी एक मीडियम में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है. तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा या लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और वी का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ गामा पी बाय रो. अब तो ये किस पे डिपेंड करता है, गामा पे और रो पे. ऑप्शन देख लेते हैं. द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन एनी गैस डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम. ये जो गामा पी है ये क्या है, गामा पी इज नथिंग बट व्हाट, इट इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से सबसे पहले हम लोग पढ़ते थे साउंड चैप्टर में. फिर ई को मेरे ख्याल से न्यूटन ने प्रेशर लिखा और रॉन्ग हो गया न्यूटन से. उसके बाद में लैपलास ने उसको करेक्ट करके ई के जगह पे गामा पी लिखा. तो करेक्ट आंसर है द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एनी गैस डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ द गैस. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर डी, सॉरी आंसर बी, बी बी इज द करेक्ट आंसर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो फाइनली हम लोग आखिरी पेपर की तरफ आ गए, दैट इज 24 सितंबर शिफ्ट 2 वाला पेपर. अ सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन. तो ओपन था तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन थी, तो एन मतलब वी बाय 4L, ठीक है वी बाय 4L. द ट्यूब इज डिप्ड इन वॉटर सो दैट द 1/4 ऑफ इट इज इन वॉटर, 1/4 ऑफ इट इज इन वॉटर, 1/4 पानी में, मतलब 3/4 हवे में. अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ध्यान से सुनना. मतलब अब ये क्लोज्ड पाइप बन गया, क्लोज्ड पाइप बन गया तो, सॉरी मैंने कुछ गलत किया शायद, एक मिनट. द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला V by 2L होता है. तो ये V by 2L. अब ये क्लोज्ड बनने से क्या होगा, इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा V by 4L, लेकिन L नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे सुनो, 1/4 तो पानी में है ना, तो एयर कितना बचा, 3/4 लेंथ. तो ये आएगा आंसर. अब एक काम करते हैं, इसको 4 और 4 तो कट जाएंगे, डिवाइड कर लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, डिवाइड कर लो. सो डिवाइडिंग 2 by 1, डिवाइडिंग 2 by 1, डिवाइडिंग 2 by 1. तो जब ये क्लोज्ड बन जाएगा तो क्लोज्ड अपॉन ओपन विल बी इक्वल टू व्हाट, वी बाय 3L, और इससे डिवाइड करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा 2L/V. तो आंसर आएगा एन सी इज इक्वल टू 2/3N, ये आंसर है. ओके तो याद रखना ये कब फॉर्मूला लगा, जब वो ओपन था. ये क्या हुआ, क्लोज्ड होने के बाद 4 भी आया नीचे और उसका लेंथ ऑफ एयर कॉलम भी चेंज हो गया ना, 3/4L हो गया. वो पानी में अगर 1/4 डुबा दिया तो बचा कितना, एयर वाला लेंथ 3/4L. बस दोनों को डिवाइड कर लिया, आंसर आ गया, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इज वी फॉर अ पर्टिकुलर साउंड वेव इन एयर, पाथ डिफरेंस इज एक्स सेंटीमीटर, इक्विवेलेंट टू फेज डिफरेंस एन पाई. तो फेज डिफरेंस तो एन पाई दिया हुआ है ना, एन पाई दिया हुआ है फेज डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स दिया हुआ है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज, ध्यान से सुनना, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π Δx/λ. बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहे हो लोग एग्जाम में, राइट. और डेल्टा एक्स को बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स या फिर पाथ डिफरेंस. तो ऐसे लिखा जा सकता है फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π λ इनटू व्हाट, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस. नाउ व्हाट इज द फेज डिफरेंस गिवन है, देखो फेज डिफरेंस दिया हुआ है एन पाई, 2π, और लैम्बडा को मैं लिखूंगा वी बाय एफ, और पाथ डिफरेंस कितना दिया हुआ है एक्स, तो पाई और पाई तो कैंसिल हो जाएगा, राइट. और पूछा गया क्वेश्चन में एफ पूछा हुआ है ना, तो एफ विल बी इक्वल टू एन वी डिवाइडेड बाय टू एक्स. और ऐसा ऑप्शन है मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी, हाँ ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ एंड डायमीटर, डायमीटर और डायमीटर ऑफ अ मेटल वायर इज डबल्ड, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल चेंज फ्रॉम एन टू. ध्यान से सुनना, देखो डायमीटर डबल करना मतलब रेडियस डबल करना, जो डायमीटर के साथ होगा वही रेडियस के साथ भी होता है, ये याद रखना, क्योंकि जो डायमीटर का रेशियो होगा वही तो रेडियस का रेशियो होगा. तो अगर किसी बच्चे ने डायमीटर डबल किया या रेडियस डबल किया, बात एक ही हुई, राइट. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2 LR रूट ऑफ टी बाय पाइरो. एक मिनट, कहीं और भी ऐसे मैंने फॉर्मूला लिखा था, सही लिखा था कि नहीं, बस एक बार चेक कर लेता हूं. एक और जगह पे हमने यूज किया था ये फॉर्मूला,
हाँ याद आया, ये म्यू नहीं होगा, ये पायरो होगा। खैर उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट ये पायरो है, याद रखना। ओके पायरो, इट इज नॉट म्यू, इट इज पायरो। सो 1/2 LR रूट ऑफ टी बाय पायरो, खैर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, बट ये करेक्ट फॉर्मूला है। ये म्यू नहीं आएगा, जब आर में लिखे म्यू को पाई आर स्क्वायर रो लिख सकते हैं ना, तो ये पायरो आएगा, करेक्ट है। चलो यहाँ पे चेंज कर लिया मैंने फाइनली। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सो अब क्या हुआ है देखो, इस क्वेश्चन में लेंथ और रेडियस दोनों को डबल किया गया, तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल एज वेल एज आर, दोनों को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसको डबल किया तो फ्रीक्वेंसी हाफ होगा, इसको डबल किया तो भी फ्रीक्वेंसी हाफ होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी दो बार हाफ होगा। तो नया फ्रीक्वेंसी क्या होगा तुम्हारा, न्यू फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू, दो बार हाफ हुआ ना, दो बार हाफ हुआ, तो न्यू फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू व्हाट, न्यू फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू तुम्हारा पुराना वाला फ्रीक्वेंसी दो बार हाफ हुआ, तो एक बार हाफ और एक बार हाफ इंटू एन, तो आंसर आएगा एन बाय फोर, एन बाय फोर। ओके एन बाय फोर मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और मेरे ख्याल से ये जो सम है अब ये लास्ट होना चाहिए, यस ये लास्ट सम है, तो लास्ट सम है, देखते हैं। अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड एन ओपन ऑर्गन पाइप आर आर सेम लेंथ, सेम लेंथ है दोनों का, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ सेम लेंथ प्रोड्यूस 2 बीट्स पर सेकेंड। अच्छा व्हेन दे आर सेट इनटू वाइब्रेशंस इन द फंडामेंटल मोड, ठीक है। द लेंथ ऑफ द ओपन पाइप इज नाउ हाफ एंड द क्लोज्ड पाइप इज डबल्ड, तो नंबर ऑफ बीट्स कितने होंगे। अच्छा थोड़ा अलग समय देखते हैं। पहले तो क्या बोला हुआ है देखो, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ सेम लेंथ, दोनों का लेंथ सेम है। अब ध्यान से सुनना, अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप की बात करो तो V बाय 4L, और अगर ओपन की बात करो तो आंसर आएगा V बाय 2L। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, देखो दोनों को देखो, ध्यान से देखो दोनों को, पता चलेगा कि ओपन इज डबल ऑफ क्लोज्ड। मतलब अगर एक ओपन पाइप है और एक क्लोज्ड पाइप है और दोनों का अगर लेंथ सेम होगा ना, तो फंडामेंटल ऑफ ओपन इज डबल द फंडामेंटल ऑफ क्लोज्ड। देख लो तुम सामने सामने, अगर अगर तुम एनसी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एनओ जैसा बन जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं NO is equal to 2 times of NC। अब क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि जब इन दोनों को वाइब्रेट किया गया तो कितने बीट्स बने, 2 बीट्स। मतलब मैं लिख सकता हूं कि NO minus NC is equal to 2, NO minus NC is equal to 2, ठीक है। ये मेरा पहला रिलेशन है, इसको ऐसे ही रख के छोड़ देता हूँ, है ना, ऐसे ही रख के। या एक काम करता हूँ ना, थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूँ, इरेज करके और सॉल्व कर लेता हूँ, और सॉल्व कर लेता हूँ। तो NO माइनस NC इज इक्वल टू 2, और मैं जानता हूं कि NO 2NC है, तो 2NC माइनस NC इज इक्वल टू 2, तो इससे मुझे NC का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, 2 हर्ट्ज। और NO क्या है, NO क्या है, NO इज नथिंग बट डबल ऑफ NC, तो NO अगर NC का डबल है तो इसका आंसर आएगा 4 हर्ट्ज, राइट। तो मुझे फंडामेंटल दोनों का पता चल गया, मुझे पता चल गया कि क्लोज की फंडामेंटल 2 हर्ट्ज है और ओपन की फंडामेंटल 4 हर्ट्ज है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या किया गया, द लेंथ ऑफ द ओपन पाइप इज हाफ्ड। ध्यान से सुनना, लेंथ और देखो इस फॉर्मूला को देखो, लेंथ और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, लेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है, लेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर तुमने ओपन पाइप के लेंथ को क्या कर दिया हाफ, तो जो नई फ्रीक्वेंसी होगी ना ओपन पाइप की, वो हो जाएगी पहले वाले की डबल, पहले वाले की डबल। लेंथ को हाफ करने से फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, और पहले वाली फ्रीक्वेंसी तो मैं जानता हूं कितनी थी, पहले वाली फ्रीक्वेंसी ओपन की 4 हर्ट्ज थी, तो 2 × 4 कितनी हो गई, 8 हर्ट्ज हो गई, 8 हर्ट्ज, राइट। फिर क्या बोला गया, क्लोज्ड पाइप के लेंथ को डबल किया गया, इसको देखो इन दोनों में क्या रिलेशन है, वापस फ्रीक्वेंसी और लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर तुमने लेंथ को क्या किया डबल, तो क्लोज्ड की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हाफ, मतलब नई वाली जो फ्रीक्वेंसी है क्लोज्ड की हो जाएगी पहले वाले की हाफ, और पहले कितनी थी 2, तो अब ये हो जाएगी 1, पहले 2 थी तो अब 1 हो जाएगी, 1 हर्ट्ज। अब पूछा हुआ है व्हाट इज द न्यू नंबर ऑफ बिट्स, न्यू नंबर ऑफ बिट्स कैसे निकालोगे, NO डैश माइनस NC डैश दैट इज इक्वल टू 8 − 1, तो आंसर आएगा 7 हर्ट्ज, 7 हर्ट्ज, 7 हर्ट्ज मतलब ऑप्शन नंबर डी। ओके तो इस तरह से हमने सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।